बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस तरह के आप सबको पता है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी पर जेल में बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उनको जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें वो भी मुहैया नहीं की जा रही जेल में, तो जो दीन के गद्दार हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं, पाकिस्तान के वफादार नहीं, उनको जेल में VIP प्रोटोकॉल के साथ वो वहाँ पर रह रहे हैं, जेल में भी और बाहर भी। और जो दीन के वफादार हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? जिस जेल में वो बंद कोठरी में वो रह रहे हैं उस जगह पे पंखा भी नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें कपड़े वगैरह भी उनको मुहैया नहीं किए जा रहे, जो घर वाले लोग जाते हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, शुरा के निगरान वहाँ उनसे नहीं मिल सकते हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी से। हर किस्म का जुल्म और जबर उन्होंने उन पर आजमा लिया और अभी वो जो और कर सकते थे वो कर रहे हैं कि ये अपनी ज़ुबान से फिर जाएँ और ये तहरीक को ख़त्म करें। तो दोस्तों, ये शूरा के नगरान हैं जो हमारे, अभी उन्होंने एक कॉल दी थी कि ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे हम, के ट्विटर पे जाके ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे, एक ट्विटर ट्रेंड हमें वो बताएंगे, हैशटैग एक बताएंगे हम, फिर उसको फॉलो करेंगे। वो क्या था कि साद रिज़वी को रिहा करो, साद रिज़वी को रिहा करो, इस तरह से कुछ था। ये आपको मैं बता दूँगा वो क्या था कि साद रिज़वी पर जुल्म बंद करो, इस तरह से कुछ था। आप लोगों ने क्या करना है, इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट में, पहले आपको ये बात बता दूं कि इन्होंने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ऑफिशियल अकाउंट जो था तहरीक लबैक शूरा वालों का, जो ऑफिशियल अकाउंट था जहाँ से वो अनाउंसमेंट करते थे हर चीज़ की, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद अभी एक और किसी और अकाउंट से हमें हैशटैग तो मिल चुका है, तो अभी आप सब भाइयों ने क्या करना है, 10 से 15 पोस्ट हर भाई ने करनी, कुछ भी नहीं हो जाता, 5-6 मिनट लग जाएंगे। ट्विटर तो आप सब लोग चलाते होंगे, जो नहीं चलाते वो यूट्यूब से थोड़ी वीडियो देख लें कि किस तरह चलाते हैं, बिल्कुल फेसबुक से भी आसान है चलाना। तो आप सारे भाई वहाँ पे क्या करना है, अपने सामने एक एक पोस्ट लगानी है, कोई भी तस्वीर लगा दें हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की, और उसके ऊपर आपने हैशटैग लगा देना। हैशटैग मैं आपको बता दूंगा क्या, ये वीडियो के ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा कि हैशटैग है क्या, बस आपने हैश लिखना है, साथ लिखना और आगे वो आ जाएगा, ठीक है। वो आपने लगाना है, 10 से 15 पोस्ट कर दें, कोई मसला नहीं होता। आप तहरीक के साथ जुड़े हैं तो इतना सा काम कोई 10-15 मिनट निकाल देंगे तो कोई मसला नहीं होने वाला। तो अभी ये आप करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।